फेवरेट ड्रेस हुआ फिर? बहुत ज्यादा। अच्छा, अम्मा की साड़ी पहनने का फील कैसा है? बहुत ही प्यारा। अम्मा की साड़ी हा? बहुत ही प्यारा। और सबसे पहले तो अम्मी मेरी इतनी सुगर माशाल्लाह से हैं, वो इतनी उनको ये साड़ी का सिलेक्शन ही बता रहे प्रॉपर उन्होंने रखी हुई है संभाल के। वो नहीं होती, वो उनकी एक कजन है इंडिया में होती है, उन्होंने बहुत अम्मी को साड़ियाँ भेजी। ठीक है, मुझे भी भेज दें खाला थोड़ी साड़ियाँ। तो अम्मी का है कि संभाल के बहुत ही रखती है फरा। वेरी गुड। और एक चीज है ना, वो ये कि जब भी हमने किसी सेलिब्रिटी को कहा ना कि मेकअप के बगैर आना है, सब लोग थोड़ी बहुत बेस लगा के आते हैं। हीरा के लिए जबरदस्त तालियां। हीरा बगैर मेकअप के आ गई हूँ, कोई मेकअप नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, और वो अपर लिप्स भी नहीं बनी हुई, तो वो भी मैं आज आपको लाइव अपर लिप्स बनाना सिखाऊंगी। लाइव अपर लिप्स बनाना। पाउच में जो है वो थ्रेड रखा करें और किस तरह वो झटपट बन जाती है। अच्छा, 50 रुपए बच जाएंगे आपके, खुद बनाना सीख। वेरी गुड। तो आपने कहीं अभी तक वो लेजर्स एंड मुख्तलिफ ऐसे नहीं? हाय बहन, कहाँ लेजर। अच्छा क्यों? वो मन की इतनी फीसें बच्चों की माशाल्लाह से स्कूल में चली जाती है, प्रोजेक्ट की चीजें तो फलाना की, तो मिट्टी में खेलने कितने पैसे ले लेते, तो हम नहीं, मैं वो माँ बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं जो है वो लेजर कराऊंगी। लेकिन फ्यूचर में कोई फिल्म अगर मुझे इम्तियाज अली की मिल गई, हाँ। इम्तियाज अली मतलब यहाँ की कोई डायरेक्टर को पूछा ही नहीं ना मैंने, हाँ। तो फिर इंशाल्लाह लेजर क्या, बोटॉक्स क्या, सारी मैं स्ट्रेस मार्क्स। इसका मतलब ये है कि वो फिल्म अल्लाह करे मिले मगर सारी नेचुरल ब्यूटी खत्म हो जाएगी। हाँ। अब जैसे आप आ गई हो ना एकदम से बगैर मेकअप के, हाँ। फिर वो जिन लोगों ने बोटॉक्स और फिलर वो नहीं आते हैं, हाँ। उनको मुझे एक चीज ये गुस्सा आता है कि हमारी नॉर्मल फेसेस हैं, मेरा एक नॉर्मल होंठ है जो कि बहुत सारी औरतों के होंगे ना, तो मुझे जब बहुत बोटॉक्स वाली कोई लड़की नजर आती है, खैर मैं उससे बहुत इम्प्रेस होती हूँ। मैं इंशाल्लाह 40+ की होंगी तो मैं जरूर कराऊंगी, मानी की मैं सुनना बंद कर दूंगी, लेकिन मैं कहती हूँ एक नेचुरल चीज पे नजर अब रुकना बंद हो गई लोगों की, मुझे लगता है कि वो ऑब्वियसली वो जो बोटॉक्स वाली है वो ज्यादा अच्छी लग रही होती, मुझे इतनी अच्छी मेड अप लुक हमेशा लगती है ना, अच्छी लगती है। लेकिन मैं कहती हूँ फरा हमारी फील्ड है, आपको कराना चाहिए, और जिनकी फील्ड लाइन भी है बात कराना चाहिए, हाँ, या आप पहले करा लें बाद में करा लें, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलो हम जल्दी से करना शुरू करें। क्या क्या कर रही थी आप, बता रही थी? मैं आपका पाउच में लेकर आऊँ? मैं पाउच मैं लेके आती हूँ, मेरा पाउच। अच्छा, मेकअप कुछ इसी के अंदर होता है? हाँ, कभी कभी डायपर्स भी होते हैं। मैंने कि इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगाई है फरा, उसमें जो है वो ट्रांसपेरेंट बैग नहीं चले हुए थे, हाँ, दो हाँ। साल पहले। अब मुझे शौक भी था कि मैं लूँ पेयर कार्डन का, मैंने वो बैग लिया बड़ा महंगा अमेरिका से, अब उसके अंदर ना वो ट्रांसपेरेंट में डायपर भी नजर आ रहे हैं, हर चीज नजर आ रही, तो नीचे लोग मैसेजेस कर रहे हैं ठीक है डायपर बैग में डाला हुआ है फीडर। मैंने कहा बच्चों वाली माँ के बैग में यही चीजें होनी है, बिल्कुल होंगी, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों वाली माँ का क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि उसके पास मेकअप की सारी प्रोडक्ट्स भी उसी बैग में पूरी है और बच्चों के डायपर भी है और वो भी है। अच्छा जी, भी है पहले। अच्छा, मैं बहुत वैसे सस्ती इसी एक मैंने बहुत सारे ब्रांड्स की जो है वो बेस यूज की है, लेकिन जब मैंने एक्टिंग करना शुरू की है, जब मैं होस्टिंग से हटी हूँ बड़ा, तो इससे अच्छी बेस कोई नहीं है। वेरी गुड, हर जगह अवेलेबल है, हर एक को अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। इसकी प्राइस होगी 1200 रुपए या 1300 रुपए, और ये इतने अरसे चलती कि आप शादी पे शुरू करेंगी लगाना अपने, तो ये 5 साल तक आप लगा देंगी, पहला जो है वो बड़ा हो जाएगा, 3-4 साल का हो जाएगा, ये बहुत बेस है इसमें माशाल्लाह, ये पूरा साल चलती है, साल से ज्यादा यार। जिस खातून ने ओकेजनली मेकअप करना है कहीं हफ्ते में कहीं या रोजाना, वो आप अपने हाथ पे लगाए, अपनी कोलियों पे लगाए, हर जगह लग सकती है। अच्छा, उससे पहले एक सेकंड, स्किन टाइप क्या है हीरा? मेरी स्किन टाइप फरा ड्राई है, मेरा टी जोन ऑयली है और स्किन वैसे तो ड्राई है, ये सूट कर जाती है ना जिन लोगों की स्किन ऑयली है, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब क्या निकलने वाला है इसमें से? हाय अल्लाह, थोड़े से लवाजमात है ये। ठीक है, अच्छा ये प्रेप और प्राइम है, इसको पहले हम अपने मुंह पे इस तरह से, कितने दिनों बाद किसी शो में आई आपको पता है मेरा, हाँ, मॉर्निंग क्यों क्यों जाना, मैं जाना छोड़ दिया वजह, क्योंकि मुझे नहीं नाचना, ईद के अलावा नहीं नाचना, ईद के अलावा भी नहीं नाचना, और फिर पता नहीं फरा मुझे समझ नहीं आती। एक मुझे निदा बहुत अच्छी होस्ट लगती है, ऑनेस्टली निदा से मुझे बड़ा प्यार है, निदा पाशा से, और एक मुझे आपका शो बहुत ही ज्यादा पसंद है, आपसे अटैचमेंट है शुरू से ही, मुझे तो बहुत अटैचमेंट है मेरी, ये मैंने
मैं इसको दिखा रही हूँ नजदीक से, भाई ये है वो प्रोडक्ट जो कि अभी हिरा ने स्प्रे की है अपने फेस पे। हिरा इसका नाम क्या है? प्रेप और प्राइम है ये, प्राइमर और मतलब मेकअप से स्टार्ट आप ये इसको करके फेस पे आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। बाबर होते हैं एक, अगर वो देख रहे होंगे उनके सामने भी प्ले किया आंगन, उन्होंने मुझे कुछ चीजें सिखाई हैं कि हिरा कुछ चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए, तो बाबर ये जो सेगमेंट आपके लिए। अच्छा ये नबीला का है, इससे मैं खाली डार्क सर्कल्स छुपाऊंगी क्योंकि मेरे पास अभी कोई चीजें हैं नहीं। डार्क सर्कल्स हैं कहाँ? है थोड़े बहुत तो है। किस हीरोइन से अपनी शक्ल मिलती जुलती लगती है? बहुत सारी, मैं तो खुद एक लगता है कि मैं चलती फिरती हीरोइन। वो तो हो मगर किस से ज्यादा मिलती है आपको? किस से लगती है मिलती है आपको? किस से मिलती है? चलो जी बताओ किस से मिलती है, ऊंची आवाज में बताना है। करीना कपूर से तो मैं बिल्कुल नहीं मिलती। और अनुष्का? अच्छा और किधर कर रहे हैं जो असल बंदा उस तरफ जा नहीं रहे। और कौन है फरा? प्लीज अमीषा पटेल से ना मिलवान मिला दीजिएगा मुझे। और कौन है भाई जिससे मिलती है? हम एक बॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर हीरोइन है। हाँ अनुष्का तो बता चुके, अमीषा पटेल। नहीं यार कैटरीना जैसी नहीं लगती। हाय अल्लाह फरा, इस बार फीचर्स कुछ उस तरह के थे। मैं कई दफा ना एक दो गानों पे वो किया भी है। हाँ। तो एक्टिंग भी कुछ उसी स्टाइल में, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप इंस्पायर हो कैटरीना से। तो मैं बिल्कुल इंस्पायर नहीं हूँ, वो तो मुझे एक डर्ड औरत लगती है। वाकई? वो बस खूबसूरत और लंबी चौड़ी है माशाल्लाह से। कुछ चीजों में अच्छा नहीं। फरा थैंक यू, ये तो मानी अभी देख रहा होगा शो तो हंस हंस के गिर गया होगा। अच्छा वो मानी मुझे क्या ख्याल है? वो मुझे कहते हैं कैटरीना और करीना की यखनी। देखा ठीक कहता है, ठीक कहता है, दोनों का एक अच्छा कहता है। जब उनको बहुत उबालेंगे तो फिर हिरा निकलेगी। अच्छा ये मैंने अंडर आई में लगा लिया है फरा, देख रहे हैं आप तो कुछ हल्के, वैसे तो कोई फर्क मुझे ऐसे नजर नहीं आ रहा। मैं वही कह रही हूं कि पता नहीं कहां से डार्क सर्कल्स आ गए हैं। अभी तो आप मेकअप ना भी करो तो भी चलेगा, अगर मेकअप के बगैर इतनी अच्छी लगती है तो मेकअप करने की थोड़ी मूछें छुपा लूं। हाँ बहुत निकली हुई। थ्रेड नहीं मिला आप लोगों को? थ्रेड कहाँ है, लेकर आओ जल्दी से। थ्रेड लाओ ना मेरे पास हमेशा। हाँ यहाँ पर मैंने इब्राहिम को मुजम्मल को दूध बना के दिया, यहाँ मैंने अपना मेकअप किया। शुरू में बहुत टेंशन होती थी फरा कि यार किस तरह से करूंगी मैनेज ये वो, लेकिन वो औरत एक ऐसी चीज है जिसका ब्रेन बड़ा स्ट्रॉन्ग अल्लाह ने दिया, दिल नरम दिया है, लेकिन दिमाग ऐसा दिया है कि एक टाइम पे छह जगह चलता है, कि दूध जो उबला हुआ है उस पे भी नजर है कि जो उबल रहा है जिसको गिराना नहीं है। हाँ। और एक जगह जो है वो मासी पे भी नजर है कि वो सोफे के नीचे से झाड़ू लगा रही है। हाँ, कि नहीं लगा रही है, सही बात है। ओए, 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 और बच्चे पे भी नजर है, बच्चे पे भी नजर है, और मियां पे भी नजर है। और मियां पे तो चार नजरें हैं। चार आंखें मानी मेरी तुम पे, बात याद रखना। अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, मानी को जैसे मुलाकात, अब सारे लोगों को ये प्यार मोहब्बत की दास्तान पता है। हाँ। कि हिरा वाज मैडली इन लव विद मानी। हाँ। है ना, बहुत अभी तक। हाँ मैं ही करती हूँ क्योंकि ये तो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। ये मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। करता है लेकिन मैं ज्यादा करती। क्या सुन रहे हैं? अच्छा मैं अच्छा ये मैं दिखा देती हूँ फरा, ये है जी बाम की एक किट है, ये भी बहुत अरसे चलती है। तो ये मैं अपने और ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, इनके बड़े सब्ड्यूड से बड़े मजे के बहुत अच्छे होते हैं। और ये ऐसी है कि बहुत सारा। अच्छा इसको मैं ना आई शेड के तौर पे यूज करती हूँ। ठीक है, ब्लशर को आप आई शेड की जगह यूज करें। मैं कहती हूँ कोई भी चीज है वो आपके फेस पे अगर चली गई है तो आप उसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये चीक्स के लिए तो आपने चीक्स पे लगाना, आप इसको आंखों के ऊपर भी लगा सकते। बिल्कुल ठीक। तो हम आपको दे रहे हैं थ्रेड और ट्यूजर ताकि आप हमें यहाँ पे बता सको कि कैसे फटाफट जो है हीरा अपन लिप जो है वो कर लेती है। मुझे तो बटन लगाना भी सिखाया, मैं शर्ट सी लूंगी यहाँ पे। कोई स्त्री वो क्या कहते हैं सिलाई का कॉन्टेस्ट तो मैं शर्ट सी लूंगी। तुम्हें आती है सिलाई? मुझे आती है सिलाई, और प्रॉपर वाली। प्रॉपर वाली आती है, वो जो अम्मी की बड़ी बड़ी थैलों वाली शर्टें होती थी ना, सबने किया होगा वैसे। हाँ। उसकी पीस डाल के टाइट करके एक जमाने में पहन लिया। मैंने बहुत पहनी अम्मी की पुरानी पुरानी शर्ट्स ना, उनको टाइट करके। चारी अम्मी मेरी ढूंढती रह जाती थी, मेरी फलाना शर्ट का है वो मेरे पास होती थी। अच्छा तो मैं अपर लिप्स बनाने लगी हूँ जी, देख रहे हैं आप मुझे।
आई थॉट कि यार लेजर वेजर का हर कोई करा रहा है. नहीं फरा, मैंने हर कोई करा रहा है. हर औरत, आप कितने लोगों को ऑब्सेशन है, उनको लगता है यार अगर हम लेजर नहीं कराएंगे तो हम तो दी परफेक्ट ब्यूटी बन ही नहीं सकते, है ना. देन मेकअप खत्म. हाँ मेकअप हो गया, मेकअप हो गया, लग रहा है ना अब, लग रहा है. कौन सा मेकअप है, थोड़ी सफेद हो गई है. कोई बेस नहीं लगाई है, बेस लगाई है, सिर्फ आंखों के नीचे, हल्कों के नीचे लगाई है. बस हल्कों के नीचे लगती है बेस, बाकी चेहरे पे लगाती नहीं हूं. बाकी लगाती हूँ क्योंकि इतनी अच्छी लाइट है यहाँ पे, तो मुझे जरूरत नहीं लग रही कि मैं बेस लगाऊं. वेरी गुड. और लिपस्टिक, लिपस्टिक लिपस्टिक जो है वो कुछ ऐसी झूठी एक्ट्रेसेस भी होती है. मैं सुबह उठ के जी वो गुलाब की पंखड़ी अपने होठों पे लगा लेती हूँ, तो मैं होठ नेचुरली पहनी, बिल्कुल नहीं मैंने टिंट लगाई है. और वो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब लड़कियों को दिखाना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी चीज है कि जो मैं रात को भी लगा के सोती हूँ, तो सुबह उठती हूँ तो मुझे लगता है पिंक गाल है, तो खून की कमी नहीं है. हालांकि खून की कमी है, मैं ये टिंट है जी बॉडी शॉप से मिलता है, ये कहीं से ही मिलता है. ये है ब्राइट प्यूनी 026. अच्छा हाँ बिल्कुल सही. अच्छा तुम्हें पता है एक चीज, अगर मैं अभी अपना मेकअप किट मंगवाऊं तो यही प्रोडक्ट्स मेरे पास से भी निकले, है ना. हाँ. तो ये क्या है फरा, ये एक जैसे लोग, एक जैसे लोग होते हैं ना हम दोनों. तो मैं ये सेम प्रोडक्ट्स है, सेम, इसलिए मैंने उसका नंबर पूछा. सेम थिंग, सेम सेम टाइप, इवन द, हां हां, कहती हूं तो मंगवा के दिखा दो. अरे हाँ प्लीज, ये भी एक चीज होनी चाहिए यार, मेरी भी ब्यूटी किट मेकअप किट जो है वो. तो ये गालों पे, नाक पे, माथे पे जहाँ आपने लगाना है, और ये बहुत ऐसा ही लुक देता है ना, ये नेचुरल लिप्स का लुक देता है. और ये मुझे याद है करीना की एक फिल्म आई थी जिसमें, क्योंकि वो बहुत पठान टाइप बंदी है, गोरी बहुत है, तो वो उसकी कोई रोने धोने वाले सीन थे, तो उसकी ये जगह और ये जगह रेड थी. तब से और अब तक मैं उसकी वजह से ना यहाँ और यहाँ टेंट लगाती हूँ. और ये टेंट लगाया हुआ अभी, ये मैं टेंट लगाया हुआ यही वाला पे. हाँ तो ये कैसे लगाती हूँ. और जब मैं स्कूल में, मेरी अम्मी की लिपस्टिक थी मडोरा की, याद है उस टाइम पे, ये जो आपने कलर लगाया था ना, मैंने ये बड़ा उसमें आता था, तो मैं स्कूल में भी लगा के जाती. मेरी टीचर कहती थी क्या, मैं कहती थी वो एलर्जी हो गई है. अच्छा शुरू से हीरोइन थी, पैदाइशी पैदाइशी. अच्छा अगर ना आती जहाँ मंगनी कहीं हीरा की जो हुई भी थी वो ही कहीं पूरी हो जाती, तो हीरा कहाँ होती, हम हीरा से कैसे मिलते, फिर क्या होता. फिर पता नहीं कैसे मिलते आप लोग, फिर मैं अपने शीशे के आगे खड़ी होती, जो मैं हमेशा से खड़ी रहती हूँ शीशे के आगे. अच्छा बहुत सारी दास्तानें, बातें, एक्टिंग, फलाना खाला की, फलाना पुप्पो की. मैं वो वाली कजिन नहीं होती हीरा, जरा वो रात को जब साई ढोलकी के बाद नहीं, एक लड़की खड़ी हो जाती है खानदान में, आओ फलाना मामू की नकल करती हूँ, तो वो मैं थी एक्चुअली शुरू से फन. तो मैं खानदान में, घर में, फ्रेंड्स में इतना फन कर लेती हूँ ना, कि अगर मैं शायद यहाँ नहीं होती तो मैं फिर वही तक से. लेकिन गुड दैट वी हैव हर. लेकिन हम लेंगे ब्रेक. ब्रेक के बाद हम थोड़ी सी और चीजें जो है वो डिस्कवर करेंगे प्यारी सी हीरा में, उसके लिए रहिएगा साथ. मैं बहुत फेवरेट है मेरा भी, और मैं भी हमेशा यही यूज करती हूँ, है ना. ये ब्रांड बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा है ये, बड़ा चलने वाला ब्रांड है ना, इसमें बड़े सारे कलर्स और चीजें, और कलर्स बड़े मजे के हैं. हाँ हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. और जब मैंने लिया था ना, तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट कहते ये क्या ले लिया आपने, ये हाँ. ये तो किसी के पास भी नहीं हमने देखा. मैंने कहा ना देखा हो, मुझे जो ऐसी बातें करते हैं ना लोग, है ना. मैं तो बहुत सस्ते से मेकअप से भी मेकअप कर लेती हूँ, और मेरा कोई, मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ बिल्कुल भी, ना कपड़ों में, ना जूतों में, ना. अच्छा अगर मानी ब्रांड का कोई तोहफा ना दे तो चलता है? मुझे तो कोई फर्क, मुझे लगता है कि ब्रांड एक ऐसी चीज है कि वो बिला वजह है. इतना महंगा आप वो बैग लेते हैं, फिर मुझे समझ नहीं आता हमारे जो, क्योंकि मैं कहती हूँ छोटे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. हमारा जो माशरा है, हमारे बच्चे यार इतने इतने रोड पे सो रहे हैं. मुझे तो, मैंने तो अभी बायकॉट कर दिया रेस्टोरेंट्स और बड़े बड़े जगहों पे जाने से. मैंने कहा वेरी गुड. आपको पता है ये हम सबको करना पड़ेगा, वरना हम सब ऐ ही जज्बाती नारे लगाते रहते हैं. 8,000 के खाने खा लेते हैं यार ना. मैं कहती हूँ वो बच्चे जो बेचारे भूखे सो रहे हैं. ये मैं तो बिल्कुल बायकॉट कर चुकी हूँ, और आप भी जो जो अपने